वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी एंसर। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ग्लैम पार्टी मेकअप लुक, जो कि पिंक और पर्पल का कॉम्बिनेशन मैंने क्रिएट किया ड्रेस से मैच करते हैं। आप अपने हिसाब से अपने ड्रेस से मैच कर सकते हो गाइज, बट ये ऐसा लुक है हर ड्रेस पे इजीली जाएगा। ग्लिटर आई लुक है गाइज, अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है और साथ साथ शादी की भी सीजन चल रही है, तो ये वाला लुक आप ज़रूर आजमाएं। तो सबसे पहले स्टेप मैं यहाँ पर ले रही हूँ स्किन केयर कर रखा है। तो नेक्स्ट स्टेप है यहाँ पर मेरा प्राइमर। तो ये फेसेस कैनरा का प्राइमर है गाइस, इसे मैं टी जोन एरिया पे और आई लिड पे फोकस करते हुए पूरे फेस में लगाऊंगी। आई लिड पे भी लगाना इसलिए ज़रूरी ताकि मेरा आई शेडो अच्छे से ब्लेंड हो और टीके ज़्यादा देते। यहाँ पर मैं यूज़ करी लॉयल इनफेलेबल का फाउंडेशन इन डी साइड 200। ऑफ कैमरा मैंने अच्छे से अप्लाई कर लिया फेस पे। और यहाँ मैंने यूज़ करा है कंसीलर फ्रॉम द ब्रांड लॉरियल ट्रू मैच, और इसे मैं ब्लेंड करूँगी अपने फिंगर के हेल्प से, बिकॉज ये बहुत ही इजीली ब्लेंड हो जाता है। काफ़ी अच्छा कंसीलर है गाइस, थोड़ा सा प्राइस हाई है बट ये इसका कवरेज काफ़ी अच्छा है। नेक्स्ट यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ 925 का प्राइमर प्लस मैट कॉम्पैक्ट। पूरे फाउंडेशन को सेट कर रही हूँ मैं और आई लिड में भी मैं लगा लूँगी ताकि मेरा कंसीलर है वो जो टिकर है अच्छे से जगह पे मेरा। और नेक्स्ट स्टेप की तरफ यहाँ पर मैं बढ़ूँगी। यहाँ पर मैं यूज़ करूँगी लूज पाउडर को बेकिंग करते हुए, और आँखों के नीचे मैं इसलिए अप्लाई कर रही हूँ क्योंकि ये ग्लिटर आई लुक में क्रिएट करूँगी तो फॉल आउट हो सकता है, तो इससे मेरा बेस ख़राब ना हो। तो यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ रोज़ इन द एयर पैलेट फ्रॉम द ब्रांड वेट एंड वाइल, और इसका डार्कर ब्राउन ट्रांजिशन शेड मैंने लिया है और अपने क्रीज लाइन के जस्ट ऊपर मैंने लगाना शुरू कर दिया है। फ्लफी ब्रश के हेल्प से मैं लगाऊंगी और उसे अच्छे से मैं ब्लेंड कर लूंगी। अब मैं फिर से ये पैलेट से लाइट ब्राउन शेड में ले रही हूँ और जस्ट डार्कर ब्राउन शेड के मैं ऊपर लगाना शुरू कर रही हूँ ताकि दोनों कलर का अच्छा से मिक्सचर बन के एक अच्छा सा ब्लेंड हो जाए, कोई भी हार्श लाइन क्रिएट ना हो। ये लाइट ब्राउन शेड मैंने दिखा दिया है वीडियोस पे। अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। सेम पैलेट से मैं पर्पल शेड लूंगी और उसे पूरे आईलिड में मैं अच्छे से अप्लाई कर दूंगी, और ट्रांजिशन शेड का जस्ट नीचे मैंने लगाया गाइस, आप देख सकते हो। और अब मैं एक छोटी फिंगर के हेल्प से भी फिर से वही कलर लगा रही हूँ बिकॉज पिगमेंटेड ज़्यादा इसे देगा गाइस, और आप देख सकते हो। यहाँ पर मैंने यूज़ किया है स्विस ब्यूटी का पैलेट, ये मैंने कफ एंड लेसेस से खरीदा था, निधि का प्यार मैम सेल करती है, तो ये मैं शेड नंबर 2 लगा रही हूँ और ये सिल्वर इन कलर है। और जहाँ पर्पल शेड मैंने अप्लाई किया था आई लिड पे, ठीक वहीं पर मैं नीचे से स्टार्ट करूँगी, आहिस्ता आहिस्ते करके ऊपर की तरफ मैं बढ़ूंगी। अब पूरे आई लिड में मैं अच्छे से अप्लाई कर दूंगी तो ऊपर से सिल्वर शेड शो करेगा और अंदर में पर्पल है, तो ये ग्रेट कॉम्बिनेशन देगा गाइस और बहुत ही अच्छा प्यारा लुक क्रिएट करेगा गाइस। आप कोई भी ड्रेस में ये कैरी कर सकते हो इजीली। यहाँ पर मैंने यूज़ करा आईलाइनर फ्रॉम द ब्रांड लैक्मे एब्सोल्यूट, और इससे मैं आज थिन विंग लाइनर क्रिएट करूँगी। मैं फिर से थोड़ा सा डिप की हूँ ब्रश को और अब मैं विंग को क्लियरली अच्छे से फोकस करते हुए क्रिएट करूँगी। तो गाइस मैं आज मॉर्निंग पे ये वीडियोस को एडिट कर रही हूँ, तो आप बाहर का शोर सुन सकते हो, मेरा घर थोड़ा सा रोड साइड में, तो इसलिए थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइज आज आ सकता है। आप देख सकते हो काफ़ी थिन लाइनर मैंने लगाया है गाइस, परफेक्ट है वेडिंग पार्टी सीजन के लिए ये लुक। आप इसमें पर्पल की जगह गोल्डन ड्रेस का भी कॉम्बिनेशन कर सकते हो। बहुत सारा ऐसे वीडियोस में लाऊंगी ऑलरेडी अपने चैनल पे। और यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ लैक्मे एब्सोल्यूट का फॉरएवर सिल्क ब्लैक कलर का लाइनर, और इसे मैं अपने वाटर लाइन पर अच्छे से अप्लाई कर ले रही हूँ। और यहाँ पर मैंने वेगा का कर्लर यूज़ किया है और उसे मैं अपने आईलैश को कर्ल कर रही हूँ। देन मैं यहाँ मस्कारा यूज़ कर रही हूँ, मेबेलिन का वॉल्यूम एक्सप्रेस मस्कारा है गाइस। अगेन मैं फिर से प्रोसेस नहीं कर रही हूँ गाइस क्योंकि मुझे बेसिकली लगाना पसंद है, बट आप लोगों का रिक्वेस्ट आया तो मैं ट्राई करूँगी लगाने का। अब मैं पर्पल शेड ले रही हूँ जो मैंने आई लिड पे लगाया था, और उसे मैं नीचे काजल के साथ स्मर्श करते हुए लगा लूँगी ताकि मेरे काजल भी टिका रहे और स्मर्श का इफेक्ट भी अच्छा दे। और यहाँ पर मैंने यूज़ करा मेबेलिन का ब्राउन
आईब्रो पेंसिल, अभी से मैंने आईब्रो को फिल कर लिया अच्छे से, ज़्यादा फोकस नहीं करी हूँ क्योंकि आईब्रो मेरा नेचुरली ठीक है। और यहाँ पर मैं ऑफ कैमरा दोनों आईज पे अच्छे से कर ली हूँ फिर, और एक्सेस पाउडर जितना था वो मैंने निकाल दिया है। आया मैं मास्टर कॉन्ट्रोल पैलेट ले रही हूँ फ्रॉम द ब्रांड मेबेलिन, और इससे मैं कॉन्ट्रोल कर रही हूँ फोरहेड, नोज, ऑल ऑफ द चीक, जॉ लाइन। देन यहाँ पर मैं पिंकिश टोन का ब्लश ले रही हूँ सेम पैलेट से, और अपनी एपल ऑफ द चीक पे मैं अच्छे से अप्लाई कर ले रही हूँ। ये काफ़ी अच्छा पैलेट है, इसका फुल रिव्यू क्यों अगर आप चाहो तो चेकआउट कर सकते। अब मैं हाईलाइटर शेड लेके ब्रिज ऑफ द नोज, क्यूपिड बो, आईब्रो बोन, आर्च लाइन एरिया सब में मैं अच्छे से लगा लूँगी। यहाँ पर मैंने यूज़ किया लैक्मी एब्सोल्यूट का मैट लिपस्टिक, जो मेरे ड्रेस से पूरे मैच कर रहा है, और इसका शेड है वाइल्ड बेरी, जो कि मेरा बहुत ही ज़्यादा फेवरेट, और मेरी मम्मी का तो ये टॉपलेस मैच है फेवरेट है। और इसे मैं अच्छे से अपने लिप्स पे अप्लाई कर लूँगी। अप्लाई हो जाने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगा। अब मैं ऑफ कैमरा जल्दी से रेडी होके आती हूँ ज्वेलरीज के साथ। तो यहाँ पर मैंने वेयर किया है सिल्वर ज्वेलरी, जो कि मेरा ड्रेस से अच्छे मैच कर रही थी, आई लुक के साथ साथ ड्रेस में भी इफेक्ट अच्छी दे रही थी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो मेरा। तो ये रहा क्लोज लुक आई का। तो गाइज कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, मुझे आप सभी का कमेंट का इंतज़ार रहता है। यही मेकअप लुक मैंने क्रिएट किया इस वीडियो में। आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को बिग लाइक देना बिल्कुल भी ना भूले, और साथ साथ अपने सारे फ्रेंड्स और फैमिली के साथ उसे शेयर भी करना बिल्कुल भी ना भूले। तो मेरा ये मेकअप लुक आपको कैसा लगा गाइस मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज जरूर बताना। तो मैंने इस वीडियो में एक छोटा सा मिस्टेक कर दिया था गाइस, वो था ग्लिटर आई शैडो जब मैं लगा रही थी तो वो लिक्विड फार्मूला पे था, तो उसका मैंने दो लेयर चढ़ा लिया था, तो इसके वजह से मुझे लाइनर लगाने पे इस वाले जगह पे बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हुई थी। तो आप इसका थोड़ा ख्याल रखना गाइस, एक से दो बार ही लगाने की कोशिश करें, ज्यादा लेयर मत चढ़ाएं वरना आपको भी मेरे जैसा डिफिकल्ट हो सकती है लाइनर लगाते वक्त। तो गाइस मेरा वीडियो यहीं पर एंड होता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और हेल्पफुल हुई हो। तो टिल देन बाय बाय एंड अल्लाह हाफिज़।